आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रीवा दर्शन। हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। गोविंदगढ़ के पोलो मैदान में द्वितीय पंचकन्या विवाह का गरमामयी आयोजन संपन्न हुआ। कुंवर कपिध्वज सिंह की अगुवाई में इस वर्ष 5 की जगह 6 कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ। आइए चलते हैं गोविंदगढ़ के पोलो मैदान। उनसे आग्रह है कि अपना स्थान वो ग्रहण करें। इस जन्मभूमि कर्मभूमि में आप सभी सौभाग्य का दिन है। इस पर एक स्त्री ही है। उस कार्य के लिए माननीय कुंवर कपिध्वज सिंह जी भैया साहब इस आयोजन को सफल बनाने मान्य विचार को अपने बीच रखा, फिर संकल्प लिया और वह शुभ संकल्प बहुत सारे गणमान्य नागरिक बुद्धिजीवी जीवन परमात्मा तक की तीर्थ यात्रा विंध्य क्षेत्र में कुंवर कपिध्वज सिंह के मार्गदर्शन में संपन्न हो रहा है, जो अपने आप में अनूठा प्रयास है। समाज सेवा के इस आयाम से सामाजिक समरसता के साथ आज के इस आयोजन में पूरे विंध्य के कोने कोने से लगभग 10 से 12 हजार लोगों की आने की संभावना। इस परिस्थिति में हम विष्णु और वंदना पढ़ने मनोज है। हम सभी यहाँ बैठे हुए अतिथियों से मेहमानों से तो जिसका बहरा हो तो उसमें डाल, जबकि वो फिर गिरेगा। समाज सेवी व्यवसायी संगठन साथी हमारे बीच पधारे हुए हैं और धीरे धीरे पूरा कारवा होता गया। सब हमारे कुर्सी पे बहुत सारे प्रभु श्री राम जी के कमल व चरणों में कोटिशः नमन करता हूँ, धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। प्यारे बच्चों, हमारे परम सम्मान इतना सुंदर
सुंदर स्वरूप भगवान राम का दूल्हे राजा के रूप में इतने सया
सर्वस्वा भूतान् विवादस्य वृतं
दर्शक महात्मा जन को अपने बीच पाकर धन्य महसूस कर रहे हैं। सद्गुरु भगवान की आरती के बाद निवेदन है कि वधु पक्ष यहाँ पे उपस्थित हो जाए, आ जाए, ताकि उस शुभ मुहूर्त पर, जिस शुभ मुहूर्त पर उन्हें
जय माला करना है, शुभ विवाह पर विवाह होना। शुभ विवाह हो का है, किन का है भैया साहब, एक संरक्षक है, कर्ता है और कारक दोनों है। कहे का मतलब यह है, अपना पंच से निवेदन कि यह अद्भुत क्षण जौन सामने है, जौन चल रहा है, जौन वर्तमान है, जौन भविष्य है, यह कहाँ कहाँ देखे का मिले थे, कबों कबों देखे का मिले थे। मानव है कि जहाँ एक पक्ष दूसरे के न स्वागत कर के तो फिर हम अपना आस्था कहवा करी थे, तो अब ऐसा कोनो बात नहीं आए, भाई वह शुभ क्षण आएगा है। और उच्च कोट के पंडितन के निगरानी में संत भगवान के, संत गुरु जी के होमा संरक्षण में, शास्त्री के, शास्त्री जी के बहुत ही संस्कृत में लोक गीतन में विवाह गीतन के बीच में संपन्न हो जा रहा है। हम कौने चीज कई निहारी और पाहे के बखान करी, दहेज में अपना बच्चे देख से एक चटाई पैर धो कर गोछे से लेके और शहर तक चले के वहां से लेके चूल्हा तक के सब व्यवस्था करी गई कि भैया साहब के समूचा मानत है कि ऐसी शख्सियत से बिंद माता की जो ओखी है तो वह गौरवान्वित है कि हमने हम ऐसा अवतरित की है। तो आई यह भी हम चाहब कि जब तक ये शुभ मुहूर्त होत है शास्त्री जी के शुभ गीत के पहले संचालन। हेलो हेलो के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। पहले गीत के साथ वर वधू पक्ष का स्वागत हो जाए तो बेहतर होगा। लड़की पक्ष से रिंकी नाम देव, रिंकी नाम देव, नाम देव रिंकी नामदेव और विष्णु कुमार जी नामदेव एक दूसरे को जयमाल पहना चुके हैं, एक दूसरे को बना चुके हैं, सुविधा पूछ चुके हैं, राजगुरु जी के एक दूसरे के आमने सामने वरण करने के लिए तैयार हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो दोनों वधू पक्ष का। शास्त्री जी के कुछ आदेश है, फाय होकर पालन किए जाए। तालियां, जोरदार तालियां, दोनों को सीधा कर दीजिए। अरे अरे भाई सुल्तान, कितना सुंदर दृश्य है, कितने वर वधु पक्ष एक दूसरे को माला डाल रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत हो दोनों पक्ष का, जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत हो और करतल ध्वनि से स्वागत हो दोनों वर वधु का, करतल ध्वनि से स्वागत हो दोनों वर वधु का। दोनों वर वधु एक दूसरे को वरण कर रहे हैं आपकी तालियां और सहमति के साथ। एक दूसरे को माला पहना रहे हैं, एक बार आपकी सहमति और करतल ध्वनि से दोनों वर वधु का स्वागत हो, दोनों पर वधु पक्ष का स्वागत हो एक बार जोरदार ताली के साथ। दोनों पक्ष एक दूसरे को फ्रेम नहीं बनेगा भैया, बहुत सुंदर मनोरम दृश्य। हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली एकर गवाह बने हैं। यह प्रांगण राजगुरु जी के आशीर्वाद, बंदो मैया के धरती या बिंद के सरजमी, सब कुछ आज प्रसन्न अभिभूत है या पूर्ण कार्यक्रम देख के। और एक दोनों लोगों ने एक दूसरे को वरण कर लिया है, आप आशीर्वाद के रूप में एक बार फिर जोरदार ताली से स्वागत करिए। हमारे बीच डॉक्टर परवा साहब पधारे हैं समाज सेवी, हमारा पूरा बघेलखंड परिवार उनका बहुत बहुत स्वागत करता है।
बहुत सारे गढ़वाल नागरिक और हमारे बीच पधारे हैं, उनका सबके स्वागत। बहुत लोगों के नाम यहाँ से नहीं बोला जा पा रहा, लेकिन क्षमा पर सबके स्वागत है, सबके वंदन है, सबके अभिनंदन है। ये फोटो सेशन गढ़वाल नागरिकों का के साथ सभी और बोले राजा के साथ भैया साहब के फोटो सेशन इतना प्रेम, इतना विश्वास भैया साहब के यह कार्यक्रम पूर्ण कारमा मिला है। निश्चित तौर पे ईश्वर की सहमति, प्रकृति का साथ और इंद्र देवता भी आज हमारे इस कार्यक्रम में अपने ऋषि भूमों के साथ उपस्थित हैं। निश्चित तौर पर यह कार्यक्रम आगे चल के एक मील के पत्थर साबित हुई। अपना लोगों के सहयोग, सहभागिता, निश्चित तौर पे यह कार्यक्रम का बिंद के कोने कोने तक पूरे रेलखंड में पहुंचे और गौरवान्वित करें। अपना लोगों के आगे सहयोग बना रहा है, यह सुंदर कार्यक्रम अनवरत रूप में चल रहा है, यह अपेक्षा बनी रहा है और सबके आशीर्वाद से यह कार्यक्रम एक दिन दिल के बाहर
अजानी थे कि पधारे की एक समय सीमा है और जाए के एक सुअवसर है। अच्छा अच्छा वहाँ तो चलिए ठीक है भाई, पधारे रही है भाई, पधारे रही। जिनको भी उनके दर्शन लेना है संत भगवान की मेरा कोई सहारा भी न दे और गुरुदेव समरिया Thank you.
इतना सुंदर मौसम है, लग रहा है कि पानी गिरेगा, लेकिन इंद्र देवता वरुण देवता सब लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और थोड़ी ही सब लोग आगे अपना प्रसाद दिए, आमंत्रण स्वीकार किए। परमात्मा के जीवन पाए और कृपा है भाई राजगुरु जी को विदा करके अतिथि और आ रहे हैं, उनका ताली से स्वागत, उनके लिए जोरदार ताली से स्वागत, उनका अभिनंदन। उनके लिए दो शब्द कहूंगा, ये शब्द है किताबों में बिखर जाए। ध्वज सिंह जी रीमा जिला के भाग जागल हो, खड़े हैं अपना बच्चे निकल जाए फिर खड़े करें। चुकी चुकी जिया कपी ध्वज सिंह जी पूरे क्षेत्र के भाग्य जागल हो, चुकी चुकी जिया कपी ध्वज सिंह जी रीमा जिला के भाग्य जागल। जो पिताजी हैं सबो पिता से निवेदन है कृपा करके मंडल। चुकी चुकी जिया कपी ध्वज सिंह जी चुकी चुकी जिया कपी ध्वज सिंह जी रीमा जिला के भाग्य जागल हो। ललनाल ध्वज सिंह जी चुप चुप जिया
समारोह है। ये स्थान अपना पीछे पधार गई ताकि आगे के कार्यक्रम हो। शास्त्री जी से निवेदन करे थे आप की जब तक आवा के तो स्थान और स्थान इतना हो औरत हो तो मान ली पंद्रह की बड़ी फरमाइशी थी एक पंद्रह शास्त्री जी का हो। चलिए बड़े निकले छोट छोट दुल्हा है आई छोट छोट दुल्हन के खातिर हम एक गीत सुधी आई आई या निकले निकले छोट छोट दुल्हन का ये गीत हम अपने मंच के माध्यम से पेश कर रहे हैं। शायद तो कभी दुराय नहीं सर में निशान से बैठे बैठे जगाद कन्या वचनम च सत्यम विषयनीयम पर की जाया तो ये मवे भाव निकाम मित्रम हमारे साथ फोटो खींचा जगाद कन्या वे परिग्रह धुने गीत नित्यश्च हस्ते यहाँ पर आयन दूर निर्वर्णम सुमेना तुम्हें भी रहे नवागा मांग ले खो गया है मंच पे आ जाए यहाँ पे मंच में बैठा ऐसे हाथ से पैर रखवा दीजिए वहाँ पे और हाथ से खिसकवा दीजिए पूरे मिटवा दीजिए ऐसा तो पैर खिसकवा करके पूरे मिटवा दीजिए अब लड़की लड़कों को चार परिक्रमा करवाना है बेटी का लड़की आगे रहेगी और लड़का पीछे रहेगा लड़की को आगे करिए और लड़के को पीछे करिए चार परिक्रमा बेटी की करवा दीजिए पीछे कुर्सी में हमारे परम सम्मानीय महाराजा पुष्पराज सिंह जी विराजमान लड़की को आगे करके लड़की को आगे करिए हमारे परम सम्मानीय घनश्याम सिंह जी प्रहलाद सिंह जी भाई सुरेंद्र जी हो हमारे चार परिक्रमा करवाना है चार परिक्रमा करवा दीजिए दादू हनुमानपुर परम सम्मानीय कपिल सिंह जी के दरबार में सभी अतिथियों का खरीदने से स्वागत है अभिनंदन है चार परिक्रमा जब हो जाएगी तो अपने स्थान पर आकर के दूल्हा दुल्हन खड़े हो जाएंगे चार परिक्रमा पूरा होने पर लड़की लड़के को अपने अपने स्थान पर बिठा दीजिए अब लड़की को बाएं भाग में बिठाना है चोरी में सिंदूर लड़के के हाथ में दे दीजिए आचार्य जी सिंदूर लेकर के
हरि ओम सेन्दूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम प्रीवर्धनम सुखदम कामदम चैवो सेन्दूरम प्रतिगीताम सेन्दूरम धनवती कन्या सेन्दूरम तिलकम बिला श्रीष्यते लक्ष्मी सपत्नाम बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूप अस्मिनौ व्याप्तं मायि सन्निकाणाम् ॐ मयि घाण सर्वलोकं मयि घाणः सेन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं प्रीवर्धनं सुखदं कामनं चैव सेन्दूरं प्रतिगीतं सेन्दूरं धनवती कन्या सेन्दूरं पीछे वालों को भी दिखे आप लोग बैठ जाइए सबको ही बैठ जाइए पीछे वालों को दिखता ही नहीं है तो आप लोगों को देख के क्या करना है पीछे वालों को भी दिखना चाहिए ना सबको कृपया आप लोग शांति बनाइए भैया शांति जितना बनाएंगे उतना ही अच्छा आनंद आएगा अगर शांति नहीं बनाएंगे ओम श्री सदे लक्ष्मी सपत्नाम बहोराते पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्याप्तम मायि सन्निकाणाम् ॐ मयि घाणः लड़की पक्ष की कोई औरत आकर के सिंदूर बहोर दें सिंदूरम शिष्यते लक्ष्मी सपत्नाम बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्याप्तम मायि सन्निकाणाम् ॐ मयि घाणः सर्वलोकानां मयि घाणः सिंदूरम शोभनं रक्तम् सौभाग्यं सुखवर्धनम् सुखदं कामदं चैव सिंदूरं प्रतिगृह्यताम् व्हाट्सएप वीडियो हुआ था ना सभी लड़कियों को मनवा दीजिए मस्तक से मौनी बनवा दीजिए हाथ में से नौरा दे लीजिए प्रदीक्षिणा करवाइए तीन बार यानी कानी पापानी जन्मांतरिक तानी चाहे कानी तानी भी नश्यंती प्रदीक्षिणा हम पदे पदे पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्राहि वाम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो हरा तीन परिक्रमा करवाइए जल्दी से बढ़ते चलो भाई भीड़ मत लगाइए लावा बटवा दीजिए सभी दोनों पक्ष के लोग लावा ले लें थोड़ा थोड़ा सभी को बटवा दीजिए लावा सभी लोगों के पास पहुंच जाएगा एक आदमी लेकर सभी को दे देगा आप लोग कृपया शांति बनाइए लावा सभी लोगों को दिलवा दीजिए वैष्णव गधातु कुबेराय
हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम स्वराज्यम वैराज्यम पारमे साम्राज्यम महाराज मादिदत्तमयम समुद्र परिणाय सर्वे भौमः सर्वायुधान श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्ठारो मरुतस्याव संग्रहे आविच्छेदस्य कामप्रे विश्वे देवा सवासदैति हरिः ॐ विश्वादक्षक्षुरुद पिन्वतो मुखो विन्वतो बाहुरुद पिन्वसपाता स्वामत्वमेव त्वमेव मन्दुर्गसखा त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् नारासुरैः पुष्पाणि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और माता जानकी के विवाह के शुभ अवसर से यह ब्रह्मलीला की प्रथा प्रचलित हुई और मधुओं में पड़ेगी, इसलिए 27 को तीन भाग में प्रवर्तित करना है। विषम भाग शुभ कार्य माना गया है, विषम भाग में इसको प्रवर्तित करने के उद्देश्य से 27 अंक 9 दिन का विवाह ये प्रशस्त किया गया। त्रेता युग में 9 रत्न विवाह प्रचलित हुई। ये ब्रह्म विवाह की प्रथा के अंतर्गत विवाह 9 दिन संपन्न कराया जाता था। त्रेता युग जब समाप्त हो गया, द्वापर आ गया, महाराज कृष्णचंद्र जी आ गए। उन्होंने अपने कुल गुरुओं से इसके विषय में परिवर्तन करने की बात कही, तब उन्होंने ऐसा अनुमोदन किया, उसको श्री राम जी विवाह संपन्न हुआ और बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जुग जुग जिया कपित ध्वज लाल जी जुगी जिया कपित ध्वज लास लागल हो लल लाल होई है लागल हो जुगी जिया कपित ध्वज लाल तू जुगी जिया कपित ध्वज लाल तू पूरे क्षेत्र के भाग्य जागल हो लल लाल होई है बनवा के पीपर बनवा परास लागल हो लाल होई है कुलवा के दीपक मनवा प्रयास लागल हो पुष्पराज सिंह महाराजा पुष्पराज सिंह का हृदय से स्वागत है। हमारे बड़ों सम्मानी प्रहलाद सिंह जी और हमारे भाई चंद्र मोहन सिंह जी धारा बोरवेल की तरफ से 1000 रुपए की भेंट, उनका हृदय से स्वागत, उनके लिए जोरदार तोहरे दीदिया के उड़िया जन बोलै हो बड़ा सुंदर लागै हो
किया था हमें हमारे राजा जी के अखिया था हमें कपि ध्वज दादा के बड़ी नी कहीं अखियां ला गई अखिया था हमें ए हो बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर अखियां ला गई तोहार
सभी वरवधू पक्ष की ओर से गोविंदगढ़ नगर के समस्त नागरिकों की ओर से हम आपका हार्दिक आपके चरण कमल यहाँ आने से बहुत बहुत गौरवान्वित हैं। हम एक बार चाहेंगे कि यहाँ बैठी हुई अपार जनता अनंत श्री विभूषित स्वामी जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। पूरी की पूरी जनता एक बार स्वामी जी का समिति के द्वारा ये जो शुभ निश्चित या शुभ विवाह स्वयंवर अपने अंतिम पड़ाव के ओर जात लाग है और लोग बात एक दूसरे से यह आकर इच्छा कह रहे हैं। हालांकि यह क्षण जो है तो अपने वह पड़ाव को जा रहा है जो एक अभिनाई कहा था अभिनाई बहुत देखी और अपने आत्मा या एक गुण है और एक हाथ संत जन जाने हालांकि अभिभाजन था तो ब्रह्मर्षि राजर्षि संत जन महासंत जन और आप सब भक्तजनों के बीच में जो था बहुत बड़ा पुनीत काम है। ये संगम से बढ़ती है, ये गंगा और सागर से बढ़ती है, ये तीर्थ यात्रा अपना मालिक मानी कि सब लोग भीगे हैं भीगे हैं भीगे हैं। Thank you.
सरस्वती के ऐसे कम नहीं आए, अपना के प्रवाह मां को बही सकत है। हम चाहब अदब के साथ, अपना के आदेश के साथ कि यहाँ पे पधारे संत जन या क्रम मां यदि शास्त्री जी अपन अमृत वचन आशीर्वाद दे देते तो 5 मिनट के अपना समय दे दे, संत जन के आशीर्वाद हो जाए युगल जोड़न का। औखे बाद जनक या मंडप भैया साहब के मंडप जनकपुरी के मंडप से कम नहीं आए, तो के बाद हम चाहब कि भैया साहब आशीर्वाद वचन दुई देते, पर शायद उनके बीच में अपना ये गीत दे या न दे, पर पूज्य बाद महला जी के अमृत वचन। हेलो हेलो हेलो, पानी बरसाओ तो फिर सगली काज करे। हाथ उठा के बोलिए, बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर जगन नियंता भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा से, जैसा कि शास्त्री जी आप लोगों को भजन के माध्यम से बता रहे थे
कि ये पूरा गोविंदगढ़ का पोलो ग्राउंड कुंभ क्षेत्र बना हुआ है। कुंभ क्षेत्र किसे कहते हैं, कुंभ तीर्थ किसे कहते हैं, जहां सब देवी देवताओं का समागम हो, जहां सब तीर्थों का निवास हो, जहां सबका पदार्पण हो, जहां सब समाहित हो, उसी को कुंभ कहते हैं। तो आज ये पोलो ग्राउंड का यह प्रांगण का समागम है, उसी प्रकार से यह पोलो ग्राउंड का समागम मानो सभी तीर्थों का समागम है। पिछले वर्ष भी पंचकन्या विवाहोत्सव का दिव्य आयोजन माननीय भैया कपिध्वज सिंह जी के तत्वावधान में बघेलखंड सेवा संघ के तत्वावधान में आयोजित किया गया था। पिछले वर्ष आयोजित पंचकन्या विवाहोत्सव को ही हम लोग ऐतिहासिक मान रहे थे कि ऐसा विवाहोत्सव शायद ही कहीं हुआ होगा, लेकिन शायद पिछले वर्ष का विवाहोत्सव पंचकन्या का जो था और इस वर्ष का देख करके लगता है कि वो इसका ब्याज नहीं था। और ये जितने भी वैवाहिक जोड़े हैं तो बराय विष्णु रूपाय, ये जो है वर विष्णु स्वरूप होते हैं और कन्याएं जो है लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं। इस विवाहोत्सव के पवित्र पावन पर्व में अगर हम लोग इन जोड़ों का दर्शन करते हैं तो मानो भगवान नारायण और लक्ष्मी जी का दर्शन करते हैं। इनके दर्शन करने से भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। बंधुओं, आप सब यत्र तत्र से आए हैं, ऐसा कि हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा है, पंचकन्या क्या एक कन्या का भी अगर हम कन्यादान करते हैं तो उससे बड़ा कोई दान शायद नहीं होता है। तो यहां पर पिछले वर्ष भी गोविंदगढ़ में पंचकन्या विवाहोत्सव महामाया पल्ले पैलेस के माध्यम से आयोजित किया गया था भैया के पद्धव सिंह जी के द्वारा, और इस वर्ष पुनः ये तो वास्तव में तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा बन चुका है पूरा ग्राउंड। वहां से मैं निकला तो ऐसा लगा कि मैं प्रयाग जा रहा हूं, जैसा माघ के मेले में हम लोग जाते हैं तीर्थराज की प्रयाग की पावन धरा में, मां भागीरथी के दिव्य चरणों में, उनके दिव्य गोदी में, उनके कलकल कल की आवाज करती हुई दिव्य धाराओं में गोता लगाते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं, अपने आप को कृतकृत्य समझते हैं। तो बंधुओं, आज यह पूरा प्रांगण इस पंचकन्या विवाहोत्सव के माध्यम से दूर दराज से जो लोग भी आए हैं अपने आप को धन्य धन्य कृतकृत्य समझ रहे हैं और सबको भगवान लक्ष्मी नारायण के दिव्या दर्शन का फल प्राप्त होगा। बंधुओं, समयाभाव है, विवाहोत्सव के अंतिम चरण में हम लोग चल रहे हैं, विदाई के पवित्र पावन बेला में हम लोग चल रहे हैं और भजन का आनंद तो प्राप्त ही कर रहे हैं। उसके साथ में आप सबको जो इस मेले में सम्मिलित हुए हैं धन्यवाद देना चाहूंगा, और जो इस मेले का आयोजन किया है उनको भूर भूर प्रशंसा करने के साथ साथ, धन्यवाद देने के साथ साथ, उनको एक दिव्य पीठ में बैठने के कारण, इस एक दिव्य पीठ के पीठाधीश्वर होने के कारण मैंने आशीर्वाद देता हूं कि ऐसे ही दिव्य आयोजन आयोजित होते रहे और गरीब जन समुदाय का
कल्याण होता रहे और ऐसे ही भगवान शुभ अवसर इन्हें देते रहे और हम सबको इन जो है पवित्र कृत्यों का दर्शन करने का शुभ अवसर प्राप्त होता रहे और ऐसे भजन का आनंद हम प्राप्त करते रहे और ऐसे ही दिव्य आयोजन का हम सबको लाभ हो, ऐसी भगवान की दिव्य कृपा आप सबको और भैया कपिध्वज सिंह को प्राप्त हो। हम सब पूरे रेवाखंड के तरफ से भैया जी को आशीर्वाद देते हैं कि ऐसे ही भगवान आपको समर्थ बनाए, सद्बुद्धि दे और आपकी सेवा लेते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हरि ओम, शांति शांति शांति। जैसा कि महाराज जी हुकुम दीन कृपा करें, नजर वालों ने कोई ऐसा नजारा नहीं देखा, बाहरों ने भी ऐसा चांद सा मुखड़ा नहीं देखा, इन्हीं आंखों से मैंने क्या क्या देखा जवानी। इतने कम उम्र में इतने महान काम को देवान सिंह एक दो देव पुरुष सोच सकते और कह सकते और उनके निमंत्रण में देवता हम नहीं सब सादर सर झुकाई हंस सकते। सादर भैया जी आपके साथ विदाई के क्षण है तो आप शास्त्री जी को तो ये कार्यक्रम के नाम दीन का रहा द्वितीय पंचकन्या विवाह, क्योंकि यह आवश्यक हो जाता कि कोनो कार्यक्रम का कुछ नाम संज्ञा दीन जाए, परंतु बहुत जन आश्चर्य करे हो करत हो कि एमा पांच के बजाय कन्या छह थे नहीं। ओकर हम अपना का जानकारी साझा करे चाहे थे कि पहले कार्यक्रम पांचे कन्या के रहा है और कार्यक्रम तय होने के बाद हमारे गाँव मड़वा के एक बिटिया के आवेदन आवा, दुर्भाग्य से प्रभु की इतनी कृपा उनका नहीं मिल पाई, पिताजी के साया उनके सर में नहीं आए और जहां उनका शादी हुई रही उत्तर प्रदेश करबी में, उन्हों के यहां कुछ ऐसे संकट है तो हम पंच यह तय किए हैं कि भले पंचकन्या नाम पड़ चुका है, कार्यक्रम की सब व्यवस्था हो चुकी है, लेकिन हम पंचे उन्हों का ही कार्यक्रम में जोड़ब, यहीं से अपना का पांच के बजाय यहाँ छह कन्या के कार्यक्रम दिखाए रहा है। कही के भाई पांच कन्या पंच कन्या नाम रहा छह कैसन होएगी तो अपना बच्चे बता ही सकी थे। Come on.
पड़ती हमने का गाली सुना सुनाओ प्यारी सखियां पड़ती हमने का गाली सुना देख के गुरियाए ने प्रीत की गालियां ही एक को बुरा न मानव और यह कहे नहीं बुरा माने नहीं तका करिए भाई नहीं 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 का करिए नहीं हम कहे तो बुरा मान नहीं तका अरे बुरा मान नहीं तो नहीं ने दे अरे ऐसन बाटा तीन ना देखा बच्चे जिया करे विश्वनाथ गुप्ता जी अमजद खान लेकिन कुछ लोग जहाँ वहाँ जो नहीं छोड़ सके वो लोग रहे और कुछ लोग जहाँ कहा ऐसे जगह बैठे जहाँ नहीं आ सके वो रहे पर मुसा लवी मुकेश बाबुल खान राजन सरपंच गढ़वा बब्बू भाई पंपू प्रकाश वकील साहब अपना भाई धनीश दादा तो हम चाहिए कि भैया जी कुछ लोगों का ये कार्यक्रम में बहुत ज्यादा सहयोग करी ने बहुत ज्यादा तन मन उनके बारे में दूसरा शब्द बोल जनता के भैया साहब कह चाहते कि यह सब टीम मिलकर यह कार्यक्रम करी सी हम अकेले नहीं करे हैं अपने जब आशीर्वाद दे सबका आशीर्वाद दे सबका सहयोग करी तो बड़ा कार्यक्रम होता है ओके कुछ लोग आगे वकील साहब तारेन सिंह जी अच्छू भैया मकरन सिंह जी गोविंदगढ़ नगरी हमारे रीवा राज्य के 31वें महाराज रघुराज सिंह द्वारा कल्पना की गई रही ये नगरी बसावे के
अवा नगरी का मूर्त रूप विभिन्न हमारे पीढ़ी के महाराजा वेंकट रमन सिंह जी व नगरी माँ जैसा कि बड़े बड़े पुण्य प्रतापी महाराज रीवा माँ जन्मे वह एक परंपरा का आज हमारे सबके बीच में कायम कीन गए हमारे यशस्वी भैया कपिल सिंह द्वारा जिनका हम लोग तहे दिल से पूरे मन से जब जब सहयोग चाहा जाए हम अपना के साथ हमेशा सहयोग करते धन्यवाद। बहुत अच्छा आनंद रहा, लेकिन अभी विदाई का कार्यक्रम बाकी है। विदाई के कार्यक्रम के बाद ये रंग अबीर का दौर फिर से हो सकता है, लेकिन अभी कृपया शांति बनाए रखें। और एक आनंद हो चुका है, अब विदाई की बेला और विदाई के क्षण आ गए हैं, हमें उसको भी पूर्ण करना है। और ये ऐतिहासिक कार्यक्रम निश्चित रूप से यहाँ समस्त उपस्थित सभी नागरिक जनता और हमारी सम्माननीय महिलाएं, हम उनका सबका अभिवादन करते हैं। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए
यहाँ पर उपस्थित समस्त जन समुदाय का बारंबार स्वागत है, आभार है, अभिनंदन है, वंदन है, नमन है सभी लोग, धन्यवाद और कृपया शांति बनाए रखें। अभी एक कार्यक्रम बाकी है, विदाई घड़ियां आ गई हैं और वरपक्ष वधुपक्ष दोनों यहां पर उपस्थित हैं। सभी विधिवत रीत रिवाज के तहत यहां पे विवाह समारोह संपन्न हुआ है और उसके बाद जो शेष कार्यक्रम है उसके बाद हम सभी लोग भोजन की व्यवस्था भी है और भोजन के पंडाल लगे हुए हैं। जिन लोगों ने भोजन नहीं किया है वो भी अपने करें, बाएं साइड भी भोजन की व्यवस्था है। तो निश्चित रूप से आज का ऐतिहासिक कार्यक्रम यह रीवा जिले की धरती पे गोविंदगढ़ की पावन नगरी पे संपन्न हुआ है और आप सभी का यहाँ पर उपस्थित सभी समस्त जन समुदाय चाहे वो किसी जात धर्म वर्ग, यह निश्चित रूप से एक अच्छा उदाहरण है और हम यही चाहेंगे कि आज गरीबों के प्रति बघेलगढ़ सेवा संकल्प समिति ने जो यह कार्यक्रम के आयोजन का प्रतिवर्ष निश्चय किया है आगे और भी सफल होगा। एक बार सुने हम वधुपक्ष से कन्या पक्ष से सभी अपना कार्यक्रम संपन्न करें और जहाँ पे जो भी प्रक्रियाएं शेष है, जो भी अभी कार्यक्रम बाकी है थोड़ा बहुत धार्मिक विवाह कार्यक्रम का, उसको संपन्न बनाएं और हम धन्यवाद देना चाहेंगे इस कार्यक्रम को बहुत सफल बनाने में यज्ञ वेदी पर बैठे हुए समस्त पंडितों का भी, जिन्होंने मंत्रोच्चार के बीच में इस कार्यक्रम में वर वधु को विधिवत दाम्पत्य जीवन में बांधा और एक रीति रिवाज संस्कृत धार्मिकता के साथ विधिवत रूप से उनको आज एक बंधन में बांधा है जो कि जीवन भर उनको सफलता दे, उनके गाड़ी कहाँ है लोडर एक दूसरे ऐसा दिमाग जमीन नुकसान ना हो ये था गोविंदगढ़ का पोलो मैदान जहां पर द्वितीय पंचकन्या विवाह का गरिमामयी आयोजन किया गया था। मनोरंजन के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल रीवा दर्शन।